किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला, जिसमें उसने कमरा बुक करवाया। और जब वह कमरे में गए तो देखा कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल में खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे करीब उसे किसी पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वह बंटी तुरंत उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, यह पता करने के लिए कि इतनी रात को किस के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस इंसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वह होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो यह फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बंटी खिड़की के पास गया, काफ़ी देर खड़ा रहा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे मैनेजर को फ़ोन किया और बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है, आप सो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे फिर दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि काफ़ी लंबी औरत है, जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल ले करके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा फैल गया। बंटी थोड़ा घबरा गया